तो आज का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी अभी तो मैं चला रहा हूँ इसकी वाली NS125, जिसमें हम लोगों ने टॉप स्पीड निकाला था भाई, और ख़तरनाक चलता है भाई, मज़ा आ जाता है। 125 का फील देता ही नहीं है, बैठते साथ लगता है कि 200cc की बाइक है, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब का है एंड आपका सारे फोक्स वगैरह उस हिसाब के, फोक्स थोड़े से पतले दिखेंगे ऑफकोर्स की बात है, लेकिन सीट वगैरह डिज़ाइन वगैरह सारा आपको लगेगा 200 टाइप, और कोई दूर से देख के बोलेगा नहीं कि भाई 125 आ रही है। और यही मेरे को अच्छी लगी इस वाली 125cc की कैटेगरी की, कि इसका लुक्स, इसका 125cc के इंजन के बावजूद इसका लुक्स थोड़ा सा हेवी है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। हालांकि आज का टाइटल और टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा, आज हम क्या कंपेयर करने वाले हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो आप लोग यार, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। 50K भी बहुत जल्दी करा देना। सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे हो। और आज हम लोग शूट कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं रेडर 125 का। हालांकि रेडर 125 मैंने अभी तक नहीं चलाया है, जैसे ही चलाऊंगा वीडियोस लाइव हो जाएगी, आप लोग को सब्सक्राइब करना है। 50K के बहुत ही ज़्यादा करीब है हम लोग, अराउंड 48,400 हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, उसके लिए आई रियली थैंक यू ऑल। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना। और आज कंप्लीट कंपेयर करेंगे NS से, हालांकि अभी मैं NS चला रहा हूँ 125, लेकिन जैसे ही बैठता हूँ तो भाई लगता है 200 चल रही है। और ये हमारे कैफ भाई का है, तो उसको भी बिग शाउट आउट, इंस्टाग्राम हैंडलिंग उसका दे रहा होगा नीचे में, आज डिस्प्ले हो रहा होगा। और भाई इसका जो फील है ना, जो बैठने का फील है, मैं थ्रॉटल ट्विस्ट करने की पहले की फील बता रहा हूँ, तो फील कंप्लीट 200cc कैटेगरी टाइप की बाइक का आता है। ऑब्वियस सी बात है, इसका जो फादर बॉडी है मतलब कि NS 200, और ये बेबी NS है। और ये बात मेरे को अच्छी लगी रिगार्डिंग द 125cc कैटेगरी। 125cc कैटेगरी में तो एक NS आने लगा है, अब SP शाइन आता था, SP 125, एक ग्लैमर नया लॉन्च हुआ है, X-Tech, जिसमें मैंने कंपेयर करके डाल दिया है। और अभी जस्ट हाल फिलहाल एक वीक पहले लॉन्च हुआ TVS का रेडर 125, तो आज उसे कंपेयर करेंगे। हालांकि सबसे पहला कंपैरिजन होगा रिगार्डिंग द फीचर्स, तो फीचर्स के मामले में ये तो कंप्लीट शॉर्ट है, कंप्लीट रॉ है NS 125। और रॉ के मामले में बोलूँगा, रॉ में ही चलाने में मज़ा आता है इसे, जबकि रेडर 125 जो है वो रॉ नहीं है, अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन है रिगार्डिंग द फीचर्स एंड ऑल। फीचर्स अच्छे खासे उसमें पुट किए गए हैं, कंप्लीट डिजिटल मीटर मिलता है ब्लैक कलर के डिस्प्ले के टाइप में, जिसमें आपको गियर इंडिकेटर, एवरेज इंडिकेटर वगैरह और RPM मीटर एंड ऑल सब आपको मिलती है, लेकिन इसमें एज सच कुछ नहीं मिलता है। जैसा 200 का मीटर है डिट्टो, वैसा ही मीटर मिलता है। और वो वाली बाइक मार्केट में न्यू है, और उसका फीचर्स वगैरह एक और है कि उसमें आपको दो राइडिंग मोड्स मिल रहे हैं रिगार्डिंग द इको एंड पावर मोड, और इसमें आपको कुछ उस टाइप का मोड मिलेगा नहीं, बिकॉज ये कम्प्लीट रॉ है। इको मोड में चलाना तो भाई नॉर्मल चलाओ, तेज चलाना तो अपनी पावर मोड में आ जाएगी, और बाकी उसमें इको और पावर मोड है। फिर उसमें आपको इंटेलिगो फीचर दिया गया है कि आपकी बाइक बंद हो जाएगी अगर ज़्यादा देर तक ऑन रहती है, अगर आप लोग कहीं खड़े रहते हो तो, फिर थ्रॉटल बॉडी पुश करते हो तो स्टार्ट हो जाएगी। इसमें एज सच कुछ वैसा फीचर नहीं है, लेकिन फीचर्स के लोडेड होने के बावजूद एक जगह मेरे को जो लगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग मत देखना, हालांकि उसे मैंने अभी तक चलाया नहीं है, जैसे ही चलाएंगे उसे वैसे ही आप लोग को बताएंगे कैसा फील आता है। पहले न्यूट्रल कर लेते हैं यार, इसका क्लच देखो, इसमें एक चीज़ हमको सही नहीं लगता है मेरे को, गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी हार्ड है, और सिर्फ इस वाले में नहीं है, 200 में भी है, 160 वगैरह में भी है। लो हो गया, अभी आया है न्यूट्रल पे, तो इसमें गियर शिफ्टिंग वगैरह जो है वो थोड़ी सी हार्ड है। और इसे अभी मैं लगाता हूँ यहाँ पे, और शुरू करते हैं कंप्लीट डिटेल कंपैरिजन दोनों का। उससे पहले कैफ भाई से मिलाते हैं, और पीछे केशव 10 स्पीड 45। एक्सक्यूज़ मी कैफ भाई, कैन यू प्लीज़ कम इन माई फ्रेम। अस्सलाम वालेकुम। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। माइलेज कितना निकला लास्ट? 45 निकल गया ना, तो सही है, 45 निकल गया। टॉप स्पीड वगैरह चलाने में क्या लगा? 125cc के हिसाब से बताना, बड़ी बाइक के हिसाब से नहीं, 125cc के हिसाब से सही दे रहा आउटपुट? बहुत बढ़िया आउटपुट। तो चलो एक छोटा सा लुक तो अच्छी है, कॉज 200cc से नीचे आने के बाद भी कुछ वैसा लुक में चेंज नहीं है, सिर्फ तेरा टायर वगैरह थोड़ा पतला होगा, इंजन के हिसाब से अब परफेक्ट है ना। चलो चलो अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं उसका।
तो अभी मैं अपने मोटर व्लॉगिंग सेटअप से हट के आ गया और पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है मेरी बाइक माइक की बैटरी डाउन हो गई थी, थोड़ा सा आवाज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो अगर हम लोग फ्रंट से स्टार्ट करेंगे तो NS 200 आप लोगों ने देखा है फास्टेस्ट नेकेड में गिनती आती है, नेकेड स्पोर्ट्स की बाइक में 200cc कैटेगरी में, और ये वाले भी कंप्लीट उसी के टाइप का है। और एक चीज़ देखोगे आप लोग फ्रंट लुक का, इसका तो फ्रंट लुक आपको सेटिस्फाइड है कि NS का था, और जो न्यू वाली आई है उसका जो फ्रंट लुक है वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लगता है। जो रेडर 125 आई है उसका डिस्प्ले हो रहा होगा, एंड साथ साथ अगर फोक्स वगैरह की बात करें तो नीचे फोक्स आप लोग देखो, इसका जो फोक्स है उस पर थोड़ा सा मेरे को, तो फोक्स के मामले में आपको सीधा सीधी बताऊंगा, जब मैंने रेडर 125 का फ्रंट का फोक देखा था तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि उसे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग देना चाहिए था, थोड़ा सा और मोटा देना चाहिए था, कॉज एक तरह से मेरा अंदर से फील आया कि वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही पतला दिया हुआ है, और इसका जो फोक्स है वो अच्छे खासे चौड़े दिए हुए हैं, देख के लगता नहीं है कि 125cc की बाइक है, कॉज जो इसका जो विड्थ है तो वो तो रेडर का जो है रेडर 125 उससे मेरे को अच्छा ही दिख रहा है। ये वाला फ्रंट में आपको कार्बन फाइबर दिया हुआ है जैसा थोड़ा सा देखो, एंड रेडर का आप लोगों ने देखो फ्रंट लुक एंड ऑल, तो फ्रंट लुक आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसा लग रहा है। दोनों ही 125cc की बाइक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे ब्रेक्स वगैरह के रिगार्डिंग, तो दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड की गई है और इसमें रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी तो है ही दोनों में, और इसमें डिस्क है उसमें ऑप्शनल है लेकिन वो अभी आया नहीं है, और इसमें आपको डिस्क मिल रहा है। इसका टायर 80x100 का है, 17 इंच का अलॉय है, अलॉय कट्स वगैरह आप लोग देखो कैसे लग रहे कमेंट सेक्शन में बताओ। और रेडर का जो अलॉय है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, हालांकि उसका भी टायर 80x100 का है और 17 इंच का अलॉय उसका भी है, दोनों के फ्रंट टायर का डायमेंशन वगैरह सेम है। और सबसे बड़ा जो चेंज मैंने बताया आप लोगों को वो था रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो इसका जैसे देखो एनालॉग है, स्मॉल डिजिटल है, ना आपको इसमें गियर इंडिकेटर मिलता है ना आपको एवरेज इंडिकेटर मिलता है, नॉर्मल सा साइड स्टैंड इंडिकेट करेगा, ओडो एंड ऑल ट्रिप वगैरह सब आपको दिया हुआ है, और फ्यूल वगैरह का इधर में। लेकिन जो रेडर 125 का मीटर वो थोड़ा सा अलग है, मतलब डिस्प्ले दिया हुआ है कंप्लीट और अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग द गियर शिफ्ट इंडिकेटर। फिर यहाँ पे जैसे आपको किल स्विच मिल रहा था उसमें आपको किल स्विच नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको मोड के बटन मिल रहे, इको एंड पावर मोड का बटन जो आपको डिस्प्ले होगा आपकी मीटर पे, उसका मीटर थोड़ा सा कलरफुल भी है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव मीटर है। और इसका मीटर हम लोग शुरुआत से देखते हुए आ रहे जब से 200 लॉन्च हुई है, हालांकि इसकी हैंडलिंग वगैरह भी थोड़ी सी तगड़ी है। उस पर मैंने बैठा तो उसमें एज मेरा बॉडी देखकर, हालांकि 6 फीट हाइट है मेरा, अप्रॉक्स 5'11" है, तो इसमें मैं बैठता हूँ तो इसमें मेरे को थोड़ा सा लगा कि नहीं लग रहा कि 125cc की बाइक में बैठे हैं, बट उसमें बैठने से ऐसा फील हुआ कि 125cc की बाइक है, कॉज जो टैंक है पल्सर NS का वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वाला जो टैंक आपको प्रोवाइड किया गया, कट्स वगैरह तो अच्छे है ही, 125 ग्राफिक मिला हुआ है, उसका टैंक आप लोग देखोगे तो वो भी थोड़ा सा बल्की है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग आपकी पल्सर 125 का है। हालांकि पल्सर 125 की जो टैंक है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है और स्ट्रॉन्ग है भी, और वो थोड़ा सा मेरे को सॉफ्टर साइड पे उसका टैंक लगा आपकी रेडर 125 का टैंक। तो टैंक के मामले में इसका क्वालिटी मटेरियल बहुत ही अच्छा है, उसका थोड़ा सा ऊपर नीचे आप लोग समझ लो। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे रिगार्डिंग द किक, तो इसमें आपको किक वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है और इंजन वगैरह दोनों के 125cc पे है, लेकिन इसमें आपको किक दी गई है सेल्फ के साथ में, उसमें सिर्फ आपको सेल्फ दिया हुआ है। तो अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो ये बात भी आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें वो किक मिल रहा है एंड उसमें वो किक नहीं मिल रहा है। अब आते हैं इंजन पे, तो दोनों का ही 125cc पे इंजन है, इसका तो 124.4cc डायमेंशन है इंजन का, 4-स्ट्रोक 2-वाल्व एयर कूल्ड इंजन है आपकी पल्सर NS 125 का। पावर की बात करते हैं अराउंड 12 PS का पावर, 11.99 PS का पावर आपको दे रही है, एंड साथ साथ 11 Nm का टॉर्क आपको दे रहा है, और 12 लीटर का टैंक कैपेसिटी आपको प्रोवाइड किया गया है जैसा इसका टैंक है। और रेडर की बात करें तो रेडर का भी आपका 125cc पे इंजन है, एंड उसका परफेक्ट बताऊँ तो 124.8cc है, और इंजन टाइप अगर बताएं तो उसका सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक FI है, उसमें एयर एंड ऑयल कूल दोनों है, और साथ साथ 3-वाल्व पे इंजन है। पावर की बात करें तो 11.38 PS का पावर और 11.2 Nm का टॉर्क है, और 10 लीटर का टैंक कैपेसिटी है रेडर का। तो रिगार्डिंग द टॉर्क एंड पावर बोलोगे तो दोनों का आस पास है, मिलता जुलता है, कुछ पॉइंट्स का अंतर है जो
आपकी थोड़ी सी एक्सेलरेशन को ऊपर नीचे करे। हालांकि अभी हमारे पास रेडर नहीं है, जब रेडर आएगा तो होप सो दोनों का एक्सेलरेशन टेस्ट हम लोग करेंगे बहुत सून। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ क्या करना है और हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था इसके इंजन का कंपैरिजन एंड ऑल। हालांकि दोनों ही BS6 कैटेगरी की है, कैटेलिटिक कन्वर्टर ऑटो सेंसर मिल जाएगा। सीट की बात करें दोनों ही स्प्लिट सीट है और देखने में दोनों ही काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। जैसे इसका सीट वगैरह देखो, और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग को किसका सीट पसंद है। और सीट की बात करें तो रेडर का रेयर सीट ओपन होता है, तो उसमें आप लोग कुछ सामान वगैरह आराम से रख सकते हो। हालांकि सीट ओपन इसका भी होता है बट सामान रखने के लिए कुछ वैसा स्पेस है नहीं। और साइड बॉडी की बात करें तो कंप्लीट मेटल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं NS के पार्ट्स में, तो कंप्लीट भारी भरकम हेवी मटेरियल्स की आपको बाइक लगती है। NS की शुरुआत से ही 200 में भी, 160 में भी एंड 125 में भी उसी टाइप का है। और रेडर की थोड़ी बहुत समझ मुलायम टाइप, थोड़ी बहुत उतनी मजबूत नहीं। और बात करेंगे रेयर टेल की, तो टेल सेक्शन आप लोग देखो, इसका टेल सेक्शन सेक्सी लगता है भाई। जैसा यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंप्लीट टेल लाइट लैंप एंड ऑल, राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स एंड ऑल, और हगर वगैरह जो प्रोवाइड कर दी गई नहीं, तो कंप्लीट टेल सेक्शन काफ़ी इनहेंस, काफ़ी अच्छा लगता है। और उसका टेल सेक्शन में जो टेल लाइट है वो थोड़ा सा 7 से रिजेंबलेंस करता है, लाइक दिस एंड दिस, तो आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और आप लोग बताओ आप लोगों को किसका टेल लाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि मेरी मानो तो मैं तो अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन मेरे को दोनों ही आप लोग समझ सकते हो पसंद आई। और उसका थोड़ा बहुत मेरे को डिमेरिट लगा, इसका थोड़ा बहुत डिमेरिट लगा, तो वो तो मैंने आपको दोनों बताया था ही जाऊंगा। साइड सेक्शन में आप देखो टेल सेक्शन के, मतलब कि यहाँ पे साड़ी गार्डन ऑल दिया हुआ है। और इस साइड से अगर रेयर सस्पेंशन की बात करें तो दोनों में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन प्रोवाइड किया गया, तो अच्छी बात है कि दोनों की लुक काफ़ी सेक्सी आने वाली है। डुअल शॉक उसमें दिया नहीं है, इसमें मोनोशॉक दोनों में ही है। रेयर टायर की बात करें तो दोनों का ही 100/90 का रेयर टायर है और 17 इंच का एलॉय है। लेकिन एलॉय की बात करें तो इसका जो एलॉय वो थोड़ा सा डायमंड कट को रिजेंबलेंस करेगा, और जो रेडर 125 है उसका एलॉय थोड़ा सा सिंपल टाइप के लुक में दिया गया है। और उसके बाद एग्जॉस्ट पार्ट की बात करें तो इसका अंडरबेली एग्जॉस्ट है, जैसे आपको 200 में भी आता है 160 में आता है, और रेडर का कंप्लीट बाहर निकला हुआ है एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को सुना देंगे। और ग्रैब हैंडल्स वगैरह तो आप लोगों को पता है, जैसा देखो रेयर टेल सेक्शन एंड ऑल। और बात करेंगे ओवरऑल की, तो जैसा आपको समझ सकते हो मैंने एक को नहीं चलाया, मतलब रेडर 125 को अभी तक चलाया नहीं है, सिर्फ मैंने शोरूम पे उस पे, मतलब समझो शोरूम पे मैंने बैठा था और कुछ किया नहीं था। तो बैठने से एक फील आता है ना कि कौन सी बाइक कैसी है, उस हिसाब में बोलूंगा तो NS125 मेरे को बेटर लगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब आप लोग कैसा लगा आप लोग बताओ। बिकॉज जैसा मटेरियल इसको यूज़ किया गया, जैसी बॉडी इसकी है खतरनाक टाइप में, जैसे इसका मटेरियल है, सीट वगैरह तो दोनों के ही वेल्ड कुशन थे नो डाउट। और जैसा हैंडलिंग वगैरह थोड़ा भारी साइड पे इसका है, लेकिन इसका जो फोक्स वगैरह देख के लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रांग है, उसका थोड़ा सा मतलब समझ जो नॉर्मल टाइप मेरे को लगा, सॉफ्ट टाइप का लगा। तो खैर कोई नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों को कौन सा पसंद आया। एग्जॉस्ट नोट स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले इसका, उसके बाद फिर आप लोग उसका सुनना। इसका एग्जॉस्ट नोट आप लोगों ने सुना, कहीं पे भी वाइब्रेशन आपको नहीं फील होगा, एग्जॉस्ट भी इसका भारी हो जाता है। अब चलिए उसका एग्जॉस्ट नोट सुनिए, मेरे पुराने वाले वीडियोस में आप लोगों ने सुना होगा तो वही पार्ट अभी आएगा। सो आप लोगों ने उसका भी एग्जॉस्ट नोट सुन लिया होगा। अब ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो मैं बता रहा हूं, अगर सिर्फ ड्राइव रेस करके देखना बाकी है, बाकी लुक्स वगैरह तो उसकी थोड़ी सी अलग है, इसकी वैसे ही लुक है, लेकिन ये थोड़ा सा भारी साइड पे। प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये वाला कितना पड़ा था कैफ तुमको? 115। तो वही 115 के अराउंड हो गया है प्राइस वगैरह इसका ऑन रोड, और उसका अराउंड 1315 है, तो समझ सकते हो प्राइसिंग रेंज थोड़ा सा ऊपर नीचे है। हालांकि ये NS है तो NS का जो डिमांड रहता है, NS का टाइटल है, तो उस हिसाब से इसका प्राइस भी ज़्यादा करके समझ लो आप लोग दिया हुआ है। बजाज का इंजन है, उसमें TVS का इंजन है, लेकिन TVS थोड़ा सा रेस ट्यून्ड इंजन बनाता है, तो होप सो मेरे को होप है अगर मैं चलाऊँगा तो मेरे को इनिशियल अच्छा मिलेगा उस पर। तो चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लगा और किस पर आप लोग कंपेरिजन चाहते हो। जितना मेरे को दिखा, जितना मेरे को फील हुआ वन टाइम, मैंने सब आपको बताया, सब ट्रूथ बताया, सब प्रैक्टिकल रिव्यू बताया, कुछ वैसा स्क्रिप्टेड नहीं बताया। वीडियो करते हैं एंड, होप्स आपको पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा।